इसके अलावा हमने देखा है कि नाउन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है, इसके अलावा एक चैप्टर हमने देखा था कि नाउन सब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है, ये सारे हमने देख चुके हैं। और ये वाली क्लास जो है ये लास्ट क्लास है नाउन की, ठीक है। और भी कुछ अगर रह जाता है तो फिर किसी क्लास में दे देंगे हम आपको, लेकिन आई थिंक इसमें सारा कुछ ओवरव्यू आ गया नाउन। आज ही क्लास है यूज ऑफ नाउन एज नोमिनेशन ऑफ एड्रेस। नोमिनेशन ऑफ एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधन करना, किसी को संबोधन करने के लिए। यूज ऑफ नाउन एज केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन क्या होते हैं, एक नाउन को यूज किया जाता है, फिर कोमा लगा के उसी नाउन को एक और नाउन को कोमा लगा के यूज किया जाता है, और ये है सेकेंड वाला नाउन जो है ना वो फर्स्ट वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। कैसे करेंगे वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो पहले वाला पढ़ते हैं नोमिनेशन ऑफ एड्रेस। नोमिनेशन ऑफ एड्रेस क्या होता है, जैसे लिखा हुआ नोमिनेशन ऑफ एड्रेस इज यूज टू कॉल समवन। नोमिनेशन ऑफ एड्रेस क्या होता है, किसी को पुकारना या किसी को कुछ कहने के लिए। मान लो कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई सजेशन दे रहे हो, या किसी को पास बुला रहे हो, कुछ कुछ भी कह रहे हो। एंड इट जनरली यूज्ड इन इंपरेटिव सेंटेंस। और ये जनरली किस में यूज किया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारा सब्जेक्ट जो होता है ना वो हिडन होता है। अब हिडन कैसे होता है, क्या उसमें कारण होता है, वो सारा हम सेंटेंस में पढ़ेंगे, जो कि अभी जस्ट नाउन के बाद में हम वही क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो उस क्लास में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉमिनेशन ऑफ ये क्या होते हैं, किसी को पुकारने के लिए इनका यूज किया जाता है, और ये इंपरेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। देखिए हमने दो सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे। पहला हमारा बॉयज कॉमा कम हियर, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, लड़कों या बच्चों यहाँ आओ, कम हियर। अब अगर मैं इसे हटा दूँ एक बार, इसे मान लो ये है नहीं यहाँ पे बॉयज, तो इसका मतलब क्या होता है, कम हियर यहाँ आओ। अब किसी किसको बुला रहा अगला, सामने वाले को, एक हो चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे आठ हो, होंगे तो वो सामने वाले ही। और सामने वाले को हम कहते हैं क्या है, यू। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। तो अकेले को किसी को बुलाया जाता तब भी कम हियर, और किसी प्लूरल को एक से ज्यादा को बुला रहे तो भी कम हियर। मतलब सामने वाला हमेशा कौन रहता है, यू रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका यू ही रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने कहा कम हियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, सामने वाला जो होगा वही तो आएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसका मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट है ना यू, ये हमेशा हिडन रहता है। अब देखते हैं आपका बॉय जो है नाउन है, कोमा लगा दिया हमने, और कम कम आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है, और हियर क्या हुआ, हियर आपका एडवर्ब ऑफ ए प्लेस हो गया, ठीक है। ये तो हुई हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की बात। अब बात करते हैं इसमें संबोधन क्या है, संबोधन इन बच्चों को किया गया है, ये है नॉमिनेटिव केस में। कौन है ये बच्चे, कि बॉयज कम हियर, लड़को यहाँ आओ। तो संबोधन इन लड़कों को हुआ ना, इन लड़कों को पुकारने का काम हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं रानी कोमा वॉक फास्ट, कि कोई चल रहे हैं, रानी के साथ में कोई भी है जो भी है, तो वो बोल रहे हैं कि रानी तेज चलो, ठीक। तो रानी आपका नाउन हो गया, कोमा वॉक आपका, इसे आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये कम हियर किसको बोला जा रहा है, इस बॉय को तो बोला जा रहा है ना, तो ये सब्जेक्ट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सामने वाला है यू है, ठीक है, इसे आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में याद रखना, ये नाउन या सब्जेक्ट जो भी है वो किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। और ये नाउन या सब्जेक्ट जो भी है वो किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। वॉक आपका मेन वर्ब हो गया और फास्ट आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन क्या होते हैं, देखिए व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड विद ईच अदर, जब दो नाउन एक साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो नाउन एक साथ यूज नहीं थे, यहाँ पर तो नाउन था उसके बाद वर्ब आ गई थी कोमा के बाद, ठीक है। यानी ये सेंटेंस जो था ना
ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस था, ठीक है। सेंटेंस की क्लास अभी शुरू करेंगे, देख लेना, किसी को अगर नहीं आते हैं या समझ में पहले से नहीं आए हैं, इसमें अच्छे डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, तो केसिन अपोजिशन क्या होते हैं? वेयर टू नाउन्स आर यूज्ड विद ईच अदर, जब दो नाउन एक साथ यूज होते हैं एंड दे इंडिकेट सेम पर्सन, और वो एक पर्सन को ही, एक ही पर्सन के बारे में बताते हैं, सेम पर्सन, दैट टाइम, उस समय द सेकंड नाउन इज केसिंग अपोजिशन फॉर द फर्स्ट नाउन। और उस समय क्या होता है, जो सेकंड वाला नाउन होता है ना, वो फर्स्ट नाउन का केसिंग अपोजिशन कहलाता है। कैसे? हमने लिखा है रोहिणी कॉमा योर सिस्टर इज ए गुड गर्ल। रोहिणी आपका, आपको पता है नाउन है, सिस्टर भी आपको पता है नाउन है, दो नाउन हो गए ना। योवर बीच में क्या आ गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, पजेसिव एडजेक्टिव, किसका, इस सिस्टर का, किसकी सिस्टर है, तुम्हारी सिस्टर। रोहिणी को बताया जा रहा है कि योवर सिस्टर इज ए गुड गर्ल, कि तुम्हारी सिस्टर जो है ना वो अच्छी लड़की है। इज आपका वर्ब है, कैसा वर्ब है, मैन वर्ब है, आर्टिकल आ गया मैन वर्ब के बाद में, जब बी की फॉर्म मैन वर्ब बनती है, तो हमने क्या पढ़ा पीछे कि इसके बाद आने वाले नाउन और एडजेक्टिव क्या बनते हैं, इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, यानी ये गर्ल क्या हो गई, इस सिस्टर का कॉम्प्लीमेंट हो गई, ठीक है। अरे ये सिस्टर किसकी, रोहिणी की है, रोहिणी की ये सिस्टर है, और सिस्टर ही तो गुड गर्ल है, इसका मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहा है, लड़की कैसी लड़की है, अच्छी लड़की, ठीक है, ये समझ गए। अब हम बात करते हैं केसिन अपोजिशन की, कि केसिन अपोजिशन है क्या। पहला नाउन आपका ये वाला है और सेकेंड नाउन आपका ये वाला है, वैसे ये अगर सेपरेट करें तो ये आपका सब्जेक्ट भी है, क्यों है, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ रहा है ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऐसे देखो, योर सिस्टर इज ए गुड गर्ल, तुम्हारी बहन एक अच्छी लड़की है, तो इज मैन वर्ब और सब्जेक्ट ये रहा। अब अगर हम बात करें केसिन अपोजिशन की, तो नाउन फर्स्ट और नाउन ये सेकेंड, दो नाउन ये हो गए ना, साथ में यहाँ पे कॉमा के साथ यूज, इसी नाउन के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है, और ये सेकंड वाला इस रोहिणी का केसिन अपोजिशन हो गया है। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आपको बड़े अच्छे से समझ जाएंगे, खासकर लड़के, ठीक है, जो क्रिकेट पसंद करते हैं। पहला हमारा है रोहित शर्मा द हिटमैन, पहचान गए, वेरी गुड। रोहित शर्मा आपका क्या है, नाउन है, और हिटमैन इसकी उपाधि है, तो ये भी नाउन है, ये नाउन सेकंड हो गया और नाउन फर्स्ट हो गया, आगे समझ में, ये आपका आर्टिकल है। अब ये हिटमैन जो है इस रोहित शर्मा का क्या है, केसिन अपोजिशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये रोहित शर्मा जो है, ये हिटमैन जो है, ये रोहित शर्मा का केसिन अपोजिशन है। उसी प्रकार ये सिस्टर जो है, ये किसका, रोहिणी का केसिन अपोजिशन। आगे देखते हैं, इज आपका मेन वर्ब बन रहा है, इसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव इसके कॉम्प्लीमेंट होते हैं सब्जेक्ट के, ठीक है। तो द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इस हिटमैन का या रोहित शर्मा का कॉम्प्लीमेंट हो गया। द आपका आर्टिकल है, बेस्ट आपका एडजेक्टिव है, बैट्समैन आपका कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का, इन आपका प्रीपोजिशन है, दिस आपका एडजेक्टिव है, और वर्ल्ड आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है किसका, ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अब हमारी नाउन की जो क्लासेज है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसमें अगर कुछ रह गया है, आप लोगों को लगता है कि सर इसमें कुछ रह गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, हम उस क्लास को भी प्रोवाइड करवा देंगे आप। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अपने सेंटेंस की जो सीरीज होती है वो, ठीक है, और उस क्लास में हम मिलेंगे, अब तब तक नमस्कार।